उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे प्रदेश के संगठन के सूत्रधार संगठन महामंत्री भाई सुनील बंसल जी, श्री गोविंद शुक्ला जी जो क्षेत्र के प्रभारी भी हैं और प्रदेश के महामंत्री भी हैं, श्री रजनीकांत महेश्वरी जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ब्रज प्रांत के, श्री भवानी सिंह जी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित मंत्रीगण, मैं अपने सामने देख रहा हूं हमारे सांसदगण, विधायकगण और आगरा की धरती पर उपस्थित इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारी और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे आज आगरा में जब मैं आया हूं तो सच में ऐसी पवित्र धरती जहां गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा जी का जन्म स्थान हो, ऐसे जन्म स्थान पर आने का मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से उनको नमन करता हुआ इस धरती को नमन करता हूं और प्रेरणा लेकर के अपने बात को शुरू करता हूं। यह सांस्कृतिक नगरी, यह ऐतिहासिक भूमि जिसने देश के इतिहास में एक अपना योगदान किया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भी श्रृंखला इस पावन धरती की रही है। मैं आज उनको भी नमन करके उनसे शक्ति लेकर के आप सबके साथ मार्गदर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मेरा आगरा से कुछ विशेष संबंध है। जब मैं प्रभारी बनकर के आया था तो पहली बैठक भी मैंने आगरा में ही की थी, और जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं तो पहली जनसभा भी मैं आगरा में कर रहा हूं। यह कुछ आगरा के साथ विशेष रिश्ता दिखता है। वैसे भी जिम्मेवारी मिलने के बाद प्रथम बार मैं कार्यकर्ताओं को मुखातिब हुआ हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसको बड़ा करने में हमारे पूर्व अध्यक्षों ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया है, निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने पार्टी का आयाम न सिर्फ संख्या में बढ़ाया बल्कि प्रदेशों में सरकार लाने में भी बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से पार्टी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके तप से, आप सबके कर्मठ योगदान से मैं पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और पार्टी को सबसे आगे बढ़ा करके रखूंगा। मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी पूरा रखा जाएगा और साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी पार्टी
आइडियोलॉजिकल बेस्ड नीतियों के आधार पर खड़ी है और हमारी पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर, कैडर के आधार पर खड़ी है। इसलिए कार्यकर्ता की चिंता करना और विचार के लिए समर्पित रहना, इसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पार्टी का दायित्व तब संभाल रहा हूं जब विश्व की शख्सियत, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए आदरणीय मोदी जी की नीतियों को धरती पर उतारना, पार्टी को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलाना और उन नीतियों को मजबूती देना, यह मेरी जिम्मेवारी रहेगी, जिसको मैं पूरा आप सबके सहयोग से करूंगा। आज यहां पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में उत्तर प्रदेश में यह छठी रैली है। ऐसी रैलियां उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई हैं और मुझे बताया गया कि कल कानपुर में भी इसी तरीके की बड़ी रैली थी। और आज जब मैं ये संख्या देख रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आगरा भी किसी रैली में किसी से कम नहीं रहा है, उसने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मित्रों, पिछले कई सालों तक भारत की राजनीति में जो हुआ, एक मिनट भैया जरा सा सुनोगे, पिछले कई सालों आजादी के पश्चात लिए गए निर्णयों का भारत ने बहुत नुकसान सहा। अगर मैं ये कहूं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई तो यह गलत नहीं होगा। देश की ऐसी स्थिति रही, हमें आजादी तो मिली लेकिन आजादी मिलने के साथ साथ जो फैसले हुए वो फैसले भारत के लिए घातक सिद्ध हुए। हमें खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में 303 एमपी जीत करके आए और उत्तर प्रदेश ने भी अपना पूरा पूरा योगदान इसमें किया है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश को बधाई देता हूं। इन 8 महीनों में मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ आजादी के समय गलत हुआ था, जिसको ठीक करने की किसी में हिम्मत नहीं रही, कांग्रेस की सरकारों के पास एमपी की संख्या तो जरूर रही लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, राजनीतिक शक्ति नहीं थी। लेकिन जब यह ताकत मोदी जी को मिली तो उन्होंने पहली बार इच्छा शक्ति दिखाई और उस इच्छा शक्ति के कारण जो काम 70 साल से लटके हुए थे उनको 8 महीने में पूरा करके दिया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, मोदी जी ने 8 महीने में उन सारे खताओं से निकाल करके सदियों के लिए हमको आराम दे दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आज हम नागरिकता संशोधन कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक फैसला हुआ था, फैसला यह था कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो। कभी सोचा नहीं था कि इस फैसले के क्या नतीजे होंगे। यह एक ऐसा फैसला था जिसमें 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ।
लाखों परिवार अपना घर अपने अपने को छोड़कर अपनी संपत्ति सबको छोड़कर जान बचाने के लिए उन स्थानों को छोड़ करके भारत आए थे। लाखों लोग मारे गए थे। इतना बड़ा नरसंहार 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था जो आजादी के समय बंटवारे में हुआ, और बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। उस समय 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि यह भारत की जिम्मेवारी है कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई पाकिस्तान में रह गए हैं और जिनको रहने में दिक्कत आ रही है, उनको भारत में बसाने की जिम्मेवारी भारत के सरकार की है। महात्मा गांधी ने 1947 में कहा था कि इन लोगों को बसा करके सरकार में नौकरी देने की जिम्मेवारी भी भारत की है। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा कि जो लोगों का प्रताड़ना पाकिस्तान में हो रही है, उनको हमको भारत के कंसोलिडेटेड रिलीफ फंड से पैसे देकर के उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, प्रधानमंत्री ने कही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 18 दिसंबर 2003 को भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को राज्यसभा में कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है, उनको भारत में ला करके बसाने की जिम्मेवारी भारत की होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री, कृपया इसमें आप अपना ध्यान दीजिए। ये प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह कहते हैं जो विपक्ष में थे उस समय 2003, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी थे। जिस बातों को ये कह रहे थे लंबे समय तक, उसको किसी ने पूरा किया तो उसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, और अमित शाह जी ने शिल्पकार की तरह उस शिल्पी बनकर के उसको अंजाम दिया है। यह हमको समझना चाहिए। क्या किया आपको जानकर के आश्चर्य होगा। जब लियाकत अली और जवाहरलाल नेहरू का पैक्ट हुआ, जिसको लियाकत, जवाहरलाल नेहरू लियाकत अली पैक्ट कहते हैं, उस समय तय हुआ कि मुसलमानों की रक्षा भारत में भारत करेगा, क्योंकि भारत में मुसलमान माइनॉरिटी है और पाकिस्तान में, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन की रक्षा वहां की सरकारें करेंगी। यहां हमारे यहां धर्म निरपेक्ष संविधान बना डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नेतृत्व में, और वहां इस्लामिक स्टेट बन गया। पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, और बाद में बांग्लादेश बन गया इस्लामिक स्टेट। 1947 में मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन की आबादी पाकिस्तान में 23% थी, 23%। आज पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई की संख्या 3% रह गई, 3%। कहां गए 20%? कहां चले गए ये लोग? बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई की संख्या 1947 में 30% थी, 30, वह घट करके 7% हो गई, 7%। कहां चली गई ये संख्या? कहां चले गए ये लोग? किसने की इनकी प्रताड़ना? यही लोग वहां से विस्थापित होकर के भारत की भूमि पर आए हैं। और मुझे कई बार दुख भी होता है हमारे दलित नेताओं का हाल देखकर। आजकल बड़े बड़े दलित नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और वो सीएए,
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि जो लोग भारत में आए हैं उसमें से 70% दलित हैं, 70% दलित हैं जिनको भारत ने पनाह दी है, रहने का अधिकार दिया है और उनको नागरिकता दी है। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मतवा समाज बांग्लादेश से आया ये दलित है, नमोशूद्र समाज ये दलित है, रघुवंशी समाज, मेघवाल समाज, भील समाज, ये जितने लोग आए हैं 80% दलित आए हैं जिनको नागरिकता प्रदान की गई है। लेकिन हमारे दलित नेताओं को और ये कांग्रेस पार्टी जो कुछ नहीं सीए के बारे में जानती है सिवाय भ्रम फैलाने के और कोई काम नहीं कर रही, इनकी राजनीति समाप्त हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि देश बदल चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इस कारण से उनकी दिक्कत हो रही है, कोई मुद्दा नहीं रह गया। आप बताइए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं करोड़ों लोग भारत में आ जाएंगे। अरे तुमने कानून पढ़ा ही नहीं है, आने वालों की बात नहीं है, जो आ गए हैं, जो यहां रह रहे हैं, जो 20-20 साल से यहां रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसमें तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी और खास करके मुस्लिम भाइयों को कहा जाता है कि तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी। अरे मित्रों, ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। लेकिन क्या बताएं, अगर राहुल गांधी 10 लाइन भी सीएए पर बोल दे और 2 लाइन में यह बता दे कि इसमें ऑब्जेक्शन क्या है तो मैं मान जाऊंगा। जिन्होंने कानून पढ़ा नहीं, जानते नहीं, जिनको उसकी कोई जानकारी नहीं है, वह देश में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इतनी जगहों पर दंगे फैलाने की कोशिश हुई, क्या किसी कांग्रेसी नेता ने एक बार भी इसकी निंदा की, एक बार भी निंदा की? नहीं। ये निंदा इसलिए नहीं की क्योंकि भड़काने का काम ही इन्होंने पकड़ा हुआ, इन्होंने ही भड़काने का काम पकड़ा हुआ। आप चाहते हैं क्या कि देश में अस्थिरता आए? बताइए, आप चाहते हैं कि देश में अस्थिरता आए? आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि देश में अस्थिरता आए? आप चाहते हैं ना कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े? आप चाहते हैं कि देश मजबूत बने? अगर देश मजबूत बनाना है तो याद रखना कि सीए का तो सपोर्ट आप करेंगे ही, लेकिन हम सब लोग मिलकर के भारत की धरती के लिए जो जो कानून लाकर भारत को मजबूत बनाना होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिए धारा 370, भाई जरा रुक जाओ भाई, धारा 370 भारत माता की धारा 370, बताइए ये कितने समय से लटका हुआ मामला था, क्यों नहीं ये पूरा हो रहा था, किसने रोका था? और अगर ये इतना ही अच्छा कानून था तो आप सरकार में आए, आपने इसको परमानेंट क्यों नहीं कर दिया? आपको मालूम नहीं धारा 370 आने का अर्थ क्या बना है? धारा 370 आने का अर्थ ये बना है कि आज जम्मू कश्मीर में जहां भारत के 103 कानून लागू नहीं होते थे, धारा 370 हटने के बाद 103 कानून अब जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो जाएंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए।